असलमैकम फ्रेंड्स आज हमारे जी स्पाइसी किचन में देखिए क्या बनेगा आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी चिकन ग्रेवी बनाएंगे और ये इतनी टेस्टी बनती है कि जब आप एक बार बना लेंगे तो इसको बार बार आपका बनाने का दिल चाहेगा और बहुत आसानी से ये रेसिपी बन जाती है देखिए इसके लिए हमें क्या चाहिए एक पैन को हम गैस पर हल्की आँच पर रखेंगे आठ सात आठ मिर्चें ली हैं साबुत लाल मिर्च हैं और पंद्रह बीस हमने काजू लिए हैं अगर आपके पास काजू ना हो तो आप जो खोपरा आता है उसको भी डाल सकते हैं इसके बाद हम इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे और आँच हमें हल्की ही रखनी है क्योंकि अगर हमने आँच तेज़ कर दी तो हमारे मसाले जल जाएंगे और जब थोड़े से स्पॉट आ जाएँ तो इसको एक मिक्सी के गिलास में हम डालकर ठंडा हमें करना है इनको पहले और ठंडा करके हमें इनको पीसना है पहले हम इनको खाली ही चलाएँगे उसके बाद दो टमाटर काट कर हम इसमें डाल देंगे और इसकी हमें बिल्कुल बारीक सी ग्रेवी पीस लेनी है और बिल्कुल बारीक ही हमें इसको पीसना है तभी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बनेगी दो बड़े चम्मच हमने एक पैन में तेल के गरम किए हैं उसमें दो बड़े प्याज चॉप्ड करके हमने डाले हैं और प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और देखिए थोड़ा सा जब फ्राई हो जाए गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें हमने जो ग्रेवी तैयार की थी वो हम डाल देंगे और उसको थोड़ा सा चलाएँगे उसके बाद हम इसमें फिर मसाले जो सूखे होते हैं वो वाले डालेंगे उसमें इस, हम दो चम्मच धनिया पाउडर की डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर की डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर की हम डाल देंगे और एक चम्मच हमने कश्मीरी मिर्च की ली है ये भी हम भर के इसमें डाल देंगे कश्मीरी मिर्च डालने से हमारी ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा और ये देखने में बहुत अच्छी लगेगी इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे एक किलो मैंने चिकन लिया है उसको धोकर साफ़ कर लिया था वो हम एक एक करके इसमें डाल देंगे और इसको हम ढककर थोड़ा गला लेंगे थोड़ा गलने के बाद ही हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे देखिए इसको हमने मिला लिया है अगर आपको पानी की ज़रूरत लग रही है तो पानी इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए क्योंकि चिकन हमें गलाना है और इसको ढककर हम फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जिससे कि हमारा चिकन गल जाएगा फ्रेंड्स इस रेसिपी की खास ख़ास बात यही है कि इसमें हमें चिकन फ्राई नहीं करना है ये आराम से बहुत जल्दी बन जाती है और ना ही इसमें कोई हमें खड़े मसाले ही पीसने हैं इसमें फिर हमने एक शिमला मिर्च को बारीक काट लिया है वो डाल देंगे और हमने नमक पहले नहीं डाला था तो एक चम्मच हम नमक की भी इसमें डाल देंगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट हो इसको फिर हम ढककर थोड़ा गलाएंगे और जब हमारा चिकन की ग्रेवी में ऊपर तेल आ जाएगा तो हम इसको सर्व करेंगे फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और अपने अनुभव मेरे चैनल पर आप बताइएगा और इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये हमारा चिकन बनकर तैयार हो गया है आप अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी जितना पानी डालना चाहे डाल सकते हैं इसको हम सर्व कर लेते हैं यह किसी भी रोटी नान पराठा और चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है आप इसको सर्व कर सकते हैं देखिए कितनी टेस्टी हमारी ग्रेवी बनकर चिकन ग्रेवी बनकर तैयार हुई है रेसिपी देखने के लिए आप सबका थैंक यू